Hi guys, my name is Sunil Kumar. I'm the teacher of biology from BBC group. Guys, English medium या section से मुझे बहुत शिकायत आ रहा है. शिकायत सबसे बड़ी ये है कि बेटा आपकी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ YouTube पर उनकी व्यूज मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है. तो इसका सीधे सीधा मतलब है कि आप लोग क्लासेस नहीं अटेंड नहीं कर पा रहे हो, कर नहीं रहे हो जानबूझ के या कर नहीं पा रहे हो, आपका मैटर है. बट बेटा जो भी बात है ना, आप उसे खुल के बता दीजिए. देखो, इसीलिए मेरा मूड पूरा थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है आपकी क्लास सेक्शन की ओर से, इंग्लिश मीडियम से. लेकिन फिर भी आज जो हम पढ़ेंगे, देखो हमको पढ़ना है टेस्टीज के, कि टेस्टीज क्या होता है. अपना टेस्टीज का जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है. तो अगर आपने डायग्राम को समझ लिया है, टेस्टीज के डायग्राम को, तो वो सबसे बेस्ट है. मैंने आपको शायद रिजल्ट का टेस्ट दिया था, शायद आपको टेस्टीज से संबंधित कुछ नहीं, आपको दिया था मैंने रिजल्ट दिया था अभी पिछले सैटरडे को, और उसका रिजल्ट भी टेस्ट दिया था. उस रिजल्ट अभी तक एक भी नहीं आया मेरे पास में. शायद मैं देखता हूँ अपना व्हाट्सएप खोल के, किसी बच्चे का 12th ए सेक्शन से साथ किसी ने नहीं दिया है रिजल्ट मुझको. तो बेटा ये दिक्कत वाली बात है सारी की सारी. ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है. देखो 12th बी जो हिंदी मीडियम है, वहाँ से बहुत सारे बच्चों के टेस्ट आए हैं मेरे पास. उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किए हैं, मैंने उनको टेस्ट को देखा है, मार्क किया है, और आफ्टर एग्जामिनेशन हमने उनको रिजल्ट ही प्रोवाइड किया है. बट सबसे बड़ी बात अब इंग्लिश मीडियम से है कि आप लोग या तो लापरवाही हो रहे हो, या आप थोड़े बिजी हो, या आप किसी काम में फंसे हो. तो आज जो मैं दे रहा हूँ आपको, टेस्टीज का डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं, और इस डायग्राम को आपको मुझे बना के देना है. बना के मतलब एक शॉर्ट पेपर लेना है, एक पेपर लेना है ऐसा प्लेन पेपर, उस पर नाम लिखना है कि टेस्टीज, और नीचे लिखना है सचिन सर, ठीक है. और फिर आपको अपने हाथ से डायग्राम ड्रॉ करके उसको लेबलिंग करना है और भेजना है. देखो सबसे पहली बात, हम पढ़ टेस्टीज पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा टेस्टीज कैसी होती है, ओवल शेप होती है. ओवल शेप होती है, नहीं होती है, ओवल शेप होती है. तो टेस्टीज के जो हमने बताया आपको कि टेस्टीज के जो हम इंटिजमेंट लेयर की बात करें तो तीन होते हैं. तीन कौन से होते हैं, जो इसकी बाहरी लेयर थी, आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने इसकी तीन लेयर्स हमने आपको बताई हैं. तो जो ट्यूनिकी होती हैं या जो आउटर लेयर्स होती हैं, उनको हम ट्यूनिकी कहा था, हमने आउटर लेयर्स ऑफ टेस्टीज बोला था. ये तीन थी आपकी, सबसे बाहरी थी आपकी ट्यूनिका वेजिनेलिस. तो कुछ कुछ ऐसा कर देंगे, ओवल शेप होता है तो ट्यूनिका वेजिनेलिस ऐसे ऐसे बाहर से हो गई है. कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसके अलावा जो दूसरी लेयर थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया. तो ट्यूनिका एल्बुजिनिस के अंदर होगी, थोड़ी मोटी लेयर होती है, मैंने कहा थिक लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनेलिस से, एल्बुजिनिया थोड़ी मोटी होती है. ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये होगी बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया. एक बात और बताई थी मैंने कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है इसके अंदर को क्लेफ्ट कर जाती है, चली जाती है, और आपकी जो टेस्टीज है उसको डिवाइड कर देती है, और टेस्टिकल लोब्यूल्स बना लेती है, लेबुल्स बना देती है. ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया थोड़ी मोटी होती है, और अंदर की ओर धंसकर ये आपके सेप्टा डाल देती है अंदर. सेप्टा बोलते हैं इनको, जो सेप्टा करने का जो वो है सेप्टा कहते हैं. तो ये सेप्टा बना देगी अंदर जाके, जिससे कि आपका जो एक पूरा टेस्टिस है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में, यानी कि लोबुल्स में डिवाइड हो जाएगा. तो कितने लोबुल्स होते हैं, ये लोबुल्स होते हैं बेटा आपके लगभग, देखो 200 से 400 के बीच में हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू NCERT ये 250 होते हैं, अप्रॉक्स 250. तो हम 250 मान के चलते हैं, अप्रॉक्स 250. तो मैं बाहर की लेयर का नाम लिखूं तो ट्यूनिका कौन सी है, ये बेटा लेयर है, इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस. और ये जो रेड ट्रेस जो मैं कर रहा हूँ इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया. याद आ रहा है कुछ, दूसरी लेयर हो गई, और ये लेयर धस के आपकी अंदर क्लेफ्ट हो जाती है, और इसमें आपके टेस्टिकल लोबुल्स बना देती है. एक पार्टिकल को क्या कहेंगे हम, टेस्टिकल्स लोब्यूल्स. क्लियर बात. अब इसी के जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसी के साथ साथ एक लेयर और पतली सी लगी होती है, ऐसे चारों ओर से लगी होगी, और इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा. इसका नाम क्या है बेटा, इसको हम लिखेंगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका नाम, जो थर्ड लेयर है आपकी, सबसे इंटरनल लेयर जो होती है टेस्टिस की, उसका नाम क्या है, ट्यूनिका वेस्क्यू
लोसा, तीनों लेयर हो गया क्लियर कंप्लीट। अच्छा जो लोबल्स जो बने हैं इसके अंदर 1-3 एक से तीन या पांच क्या हो सकते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हो सकते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होते हैं ना हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होती है बेटा, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है तो वो कैसी होती है ऐसे ऐसे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनी होती हैं इसके अंदर ऐसे। तो ये सब क्या है ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऐसे इसके जो आपके लोबल्स हैं इसके अंदर सिचुएटेड रहती हैं। तो लोबल्स में एक से तीन हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं और वो होते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूबल्स और यही वो साइट होती है यही वो प्लेस होता है जहाँ पर आपका स्पर्मेटोगोनिया और हम कह सकते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स यहाँ पे आके एक जगह अटैच होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे एक नेट फॉर्मेशन होता है, एक जाल सा बन जाता है, जाल यानी कि एक नेट सा बन जाता है और इस जाल को हम क्या कहते हैं रेटी टेस्टिस, याद आ रहा है कुछ रेटी टेस्टिस कहते हैं। अभी रेटी टेस्टिस से निकल के ये थोड़ी सिंपल होती हैं हल्की सी, जिस जाल से निकल के थोड़ी सिंपल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगी और कुछ एक सिंपल ट्यूब स्ट्रक्चर्स ऊपर की ओर जाना शुरू होंगी और इनको हम कहते हैं वाशा एफरेंसिया। देखो मेरे हर एक पॉइंट को मैं क्लियर कर चला हूँ साथ के साथ आपका कि कैसे कैसे बन रहा है और इसको क्या कहते हैं वाशा एफरेंसिया। अब वाशा एफरेंसिया जो है यहाँ पे हाईली कॉइल्ड हो जाएगी बेटा, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाती हैं एक जगह मिलकर, ठीक है वाशा एफरेंसिया हो गई। वाशा एफरेंसिया से क्या होगा फिर आगे चल के, वाशा एफरेंसिया यहाँ पर आ जाएगी, वाशा एफरेंसिया से क्या हो जाएगा ये बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगी और ये देखो हमने लिख दिया है पर मैं लिखना नहीं था यहाँ पर, ये ऐसे स्ट्रक्चर कॉइल्ड होकर नीचे की ओर आएगा, ऐसे कॉइलिंग होता है स्ट्रक्चर, ऊपर बहुत कॉइल है नीचे थोड़ा कम कॉइल होता रहेगा। तो ये क्या है आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या है ये पूरा एरिया जो है इसे बोलेंगे इस ऑर्गन को एपिडिडाइमस कहेंगे इसको। और एपिडिडाइमस के भी तीन पार्ट हो जाते हैं, तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर वाला पार्ट जो हेड है इसको कहते हैं कैपट, CAPUT कैपट एपिडिडाइमस बोलेंगे इसको। जो पूरी बॉडी है यहाँ से बीच वाला पोर्शन जो है इसको बोलेंगे बॉडी या और कॉर्पस, CORPUS कॉर्पस एपिडिडाइमस बोलेंगे इसको। और जो इसके नीचे टेल वाला भाग जो रहेगा, टेल वाला पार्ट जो रहेगा एपिडिडाइमस का, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे कॉडा, CAUDA कॉडा एपिडिडाइमस, ठीक है। ये है तो पूरा एपिडिडाइमस बेटा बट इसके तीन पार्ट हो गए, ऊपर वाला हमने कैपट एपिडिडाइमस बोला है, बीच वाला हमने कॉर्पस एपिडिडाइमस बोला है और नीचे टेल पार्ट जो है वो कॉडा एपिडिडाइमस हमने इसको बोला है। ऊपर बहुत कॉयल है नीचे थोड़ा कम कॉयल है और यहाँ से ये बहुत सिंपल हो जाएगा और सिंपल होने के बाद में सिंपल एक ट्यूब स्ट्रक्चर आपकी ऊपर की ओर जाती हैं और ये होती हैं आपकी वास डिफरेंस, VAS वास DEFERENS वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस इसको कहते हैं। बस यही पूरा डायग्राम आपके टेस्टिस का है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने आपको डायग्राम डिस्कस किया है, आपको डायग्राम पूरा क्लियर करके बनाना है फुल लेबलिंग के साथ में, ठीक है। ये आप एक तरह से टेस्ट ही मान लेंगे, जो जो बच्चे मुझे व्हाट्सअप करेंगे मेरे नंबर पर मैं उनको ठीक है अच्छी तरह समझूंगा कि वो अच्छे बच्चे हैं उनको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, दैट्स ऑल। तो बेटा आपको ये याद रखना है पूरा डायग्राम हमने पूरा बना के देखा है शुरू से लेके तीनों इसकी लेयर्स, इसके अंदर लोबल्स, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ट्यूबल्स के बाद में रेटी टेस्टिस, फिर वाशा एफरेंसिया और फिर तीनों पार्ट आपके एपिडिडाइमस के, ठीक है। ये आपको बना के देना है, थैंक यू।